नमस्कार दोस्तों, मैं आज का लाइव डेमो दिखाऊंगा बाई सेल लेवल्स का, और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए, मेरा फाइल्स मैंने अपडेट कर लिया। मैंने आज का सेशन को मैं कैसे मेरा थोड़ा लेट हो गया, तो देखता है बाई सेल लेवल्स कुछ आता है क्या नहीं आता है। तो देखिए, पहले मैंने इसका आज का डेट में अपडेट कर लिया। जो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे आए, वो तो कल का फाइल मिला था एंड ऑफ द डेट डाटा लेके, तो उसके बाद मैंने अपडेट कर लिया। वो भी क्या कैसे मिलेगा वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए, मैंने इधर फाइल अपडेट कर लिया, तो इधर देखिए 9028 के ऊपर निफ्टी बाई दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी ये इंडेक्स है, इंडेक्स का मैंने बात कर रहा हूँ, और ये बैंक निफ्टी 19,631 में बाई दिखा रहा है ये बाई सेल लेवल 1 पे। और इधर 8978 के नीचे सेल दिखा रहा है, और ये 19,491 में सेल दिखा रहा है। तो और भी लेवल्स दिखाऊंगा मैंने। तो ये दिखा रहा है 910, सॉरी ये हाँ 9104 के ऊपर, एक्चुअली 9003 के ऊपर ही बाई होगा, और ये 19,561। तो देखते हैं कौन सा लेवल पे, मैंने डिसाइड करूँगा उसके बाद ही आप लोगों को बोलूँगा कि हाँ इस लेवल पर मैंने इंतज़ार करूँगा, इस लेवल पे, इस लेवल का इंतज़ार करूँगा, उस लेवल पे ट्रेड लेना है। तो देखिए, इधर 8999 के ऊपर बाई दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है 8975। इधर 19,552 और 19,518, ठीक है। उसके बाद इधर दिखा रहा है 8,991, 19,635, और इधर देखता है इधर 45 डिग्री 360 डिग्री एनालिसिस देखता है, ये 9023 दिखा रहा है, और 19,535 दिखा रहा है बाई का लेवल, और सेल का लेवल दिखा रहेगा 8,908, सॉरी हाँ 8,998 तो चला गया, 8,800 हाँ ना 8,998 तो नीचे है, 8,884, 8,811 का पकड़ना पड़ेगा, और 19,198। और इधर और क्या देखना पड़ेगा देखता है। इसके बाद मैंने डायरेक्ट इधर इस फेज में चला आता हूँ, यही मेरा प्रेफर्ड लेवल है, उधर से ही दिखाऊंगा जो वोलेटिलिटी बेस्ट है, वो लेवल पे क्या दिखा रहेगा वो ही दिखाऊंगा। उसके बाद चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट का हिसाब से भी दिखाऊंगा। देखिए, इधर दिखा रहा है 8,992 के ऊपर बाई दिखा रहा है, और 19,552 के ऊपर बाई दिखा रहा है, और इधर सेल दिखा रहा है 8,981 और 19,517, ठीक है। और ये गान का लेवल्स, डिग्री का लेवल्स क्या दिखाता है वो दिखाता हूँ। 9,004 के ऊपर ये बाई दिखा रहा है, और 19,587 के ऊपर बाई दिखा रहा है, और डिग्री का जो वैल्यू दिखा रहा है 8,969 के नीचे सेल दिखा रहा है, 19,482 के नीचे सेल दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। तो और भी लेवल्स देख लेता है इधर से, ये क्या दिखा रहा है 9,039 के ऊपर ये बाई दिखा रहा है, और सेल दिखा रहा है 8,968 के नीचे। तो इस बार अभी मैंने चार्ट दिखूंगा, चार्ट का क्या पोजीशन है। तो चार्ट का जो पोजीशन है, तो इधर 8,969 के नीचे बाई बन सकता है, इधर जब चार्ट में सिग्नल देगा तभी मैंने बोलूँगा। अभी तो बाई का सिग्नल ही है, तो मैंने बाई का सिग्नल इसको मानते हैं, तो इसका मान के चलूँगा कि इधर 9,039 तो दिखा रहा है, ये 9,039 के ऊपर बाई दिखा रहा है, 9,039 के ऊपर बाई दिखा रहा है, लेकिन इधर जो दिखा रहा है और 9,004 के ऊपर,
ये दिखाया, तो 9004 और 9587 ये मान के चलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, और निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का 8989 और 19474 ये अपडेटेड अभी तक नहीं किया है। हाँ अपडेट ही किया है, ठीक है ये मतलब, लेकिन इंडेक्स का ही आप लोग मान के चलिए 9004 और 19587, ठीक है दोस्तों। तो बाद में मैंने दिखाऊंगा जब लेवल आएगा, और नीचे सेल का लेवल का क्या मानेगा, सेल का लेवल इसका मानेगा 8969, एक बार देख लेते हैं चार्ट पे भी देख लेते हैं, 8969 का नीचे तो सेल लेवल नहीं आता है, तो इसका इधर क्या दिख रहा है, सेल का लेवल मैंने देखूंगा, सेल का लेवल मैंने देखूंगा इधर से देखूंगा, क्योंकि उसमें जो दिखा रहा है वो ट्रेंड नहीं, रिवर्सल नहीं आएगा, तो इधर से देखना पड़ता है। तो 8968 ये भी दिखा रहा है, तो 8968 के नीचे मानते हैं, 19495 के नीचे मानते हैं, तो देखते हैं 8968 के नीचे आता है क्या नहीं आता है। और बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी भी इधर से देखता है, बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, बैंक निफ्टी आ तेरी बैंक निफ्टी कहाँ चला गया, 8968 आ गया है, हाँ 65 हो गया, 64 इधर सेल का चल रहा है, देखते हैं टारगेट कितना आता है, टारगेट है 8932 का, नहीं तो इस लेवल से देखूंगा तो 8932 भी आ सकता है, और जो लेवल आ सकता है वो है 8000, पहले 8952 उसका 9818, तो 8952 पहले मानता है, उसके बाद 8932, उसके बाद 8918। और बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन है देखते हैं एक बार, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी 19450, तो इसका सेल का लेवल कहाँ था, सेल का लेवल था 19482, तो 482 अभी 450 चल रहा है, देखता है निफ्टी कितना नीचे आता है। इस लेवल तक 32 तक आना चाहिए एक बार, इसका एटलीस्ट 52 तो आना चाहिए, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो किस समय के लिए मैंने रुकता हूँ, पास करता हूँ, उसके फिर लौटता हूँ।
नमस्कार दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी 8952 मतलब 52 का आसपास आ गया, 8953 हो गया फर्स्ट टारगेट का, 52 हो गया तो फर्स्ट टारगेट का अचीव हो गया। तो नेक्स्ट टारगेट है 8932 का लेवल, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, मैंने अपडेट देते रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, तो निफ्टी बैंक निफ्टी अभी आप लोग सेल मोड ही पकड़ सकता है, तो सेल ही आएगा अभी। तो इधर मेरा चार्ट में भी सिग्नल दिख रहा है, तो एक मिनट, आप लोग का चार्ट का पोजीशन कुछ खराब लग सकता है, लेकिन जब चार्ट को ठीक लगा लूँगा तो अच्छा ही लगेगा। और ये सब मैंने वेबिनार का थ्रू में आप लोग को सीख ट्रेनिंग देने के, ट्रेनिंग भी आप लोग ले सकता है, कैसे चार्ट का सेटअप, कैसे ये गान एंगल वोलेटिलिटी कैलकुलेशन कर सकता है। वो भी आप लोग ले सकता है, मैंने आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा देख लीजिए, आप लोग का ट्रेनिंग लेने का या सीखने का कुछ ज़रूरत होता है तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, या कॉल टिप्स लेने का ज़रूरत होगा तो मेरे साथ, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोग कांटेक्ट कर सकता है। ये अभी सेल का ही सिग्नल दिख रहा है, देखता है ये कितना तक आता है। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी सेल मोड में ही है, मैं भी इधर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, चार्ट को थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है, नहीं तो इसका जो है इसका बहुत ही बढ़िया मतलब दिखाता है, इसका जो इधर जो इंडिकेटर्स वगैरह रहता है ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन थोड़ा सा चार्ट को सेट करना पड़ता है ऊपर खींच के नीचे खींच के। देखते हैं दोस्तों, सभी समय तो मेरा मतलब ऑन करके रखना संभव नहीं होता है, और मैंने भी एक पोजीशन लिया हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस का, ये 92.90 में मैंने सेल लगाया हूँ। देखता है अपडेट को अपडेट दूंगा, तो कुछ समय जैसे वीडियो लंबा हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा सा रोकना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, तो मार्केट देखिए अभी 9052 आने के बाद एग्जैक्टली 9052 सॉरी 8952 आया था, उसके बाद ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, तो इसका बाई का अभी भी सेल मोड में ही है इसका,
देखना पड़ेगा इसका नीचे जाएगा क्या नहीं। और बाई का आएगा, बाई का जो आएगा के ऊपर ही भाई आएगा, 9000, 9011 या 9028 या 9032। एक मिनट देख लेते हैं, लेकिन इधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसका जो लेवल आएगा भाई का जो लेवल आएगा ये 9004 के ऊपर भाई हो सकता है, 9022 उसके बाद 9060। ठीक है दोस्तों, और ये 587, 19587 के ऊपर भाई हो सकता है, 9004 के ऊपर भाई हो सकता है, 19587 के ऊपर भाई हो सकता है। तो देखता है जो चार्ट का जो दिखा रहा है तो ये सेल का बोर्ड में ही है, तो देखता है क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। अभी तक ये तो साइडवाइज मूवमेंट चल रहा है, 112 912, ये तो पिवट पॉइंट का नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, तो लगता है जो लास्ट सेशन में ये नीचे ही आएगा। आप लोग भी इधर से देख सकते हैं, ये इतना ऊपर गया था, इतना ऊपर गया था, ऊपर इतना नीचे आया था। पिवट पॉइंट ये सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब नीचे आने का, लास्ट सेशन में नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनता है। 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद जब पिवट पॉइंट का नीचे रहता है तो इंडेक्स, तो उसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है। ओहो, मेरा नेट तो बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। पोजीशन ओपन करके रखा हूँ मैंने, छोटा करके, ऐसा खास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देखता है क्या होता है। सेल एवरेज मेरा सेल किया है 93 पर, सेल एवरेज किया है, 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 15-20 पॉइंट होपफुली नीचे जा जाएगा, आना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिख रहा है,
मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, पॉज करता हूँ। दोस्तों देखिए, निफ्टी 8,952 के नीचे आ गया है, तो होपफुली 8,032 का 32 तक आएगा, आने का चांस है। उसके बाद 8,918 तो देखते हैं। चार्ट भी ऐसा बता रहा है कि इसका नीचे आने का ही प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। आप लोगों के अंदर जो लोग मेरा ये ट्रेनिंग लेना चाहता है, या कॉल सर्विस या अकाउंट हैंडलिंग, आप लोग मेरे साथ जो कांटेक्ट कर सकता है। इधर से मेरा आप लोग फेसबुक पेज पे आप लोग देख सकता है क्या क्या ट्रेनिंग आप लोग देख ले सकता है, क्या ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा जा सकता है। वेबसाइट में आप लोग देख सकता है, मेरा फेसबुक पेज पे देख सकता है, मेरा यूट्यूब चैनल पे देख सकता है, ट्रेनिंग कोर्स में क्या क्या दिखाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी किया है, लेकिन अभी भी ये सेल मोड में ही है। ये चार्ट का सेटअप जो दिखा रहा है, ये सेल मोड में ही है, तो अभी भी सेल मोड में ही आप लोग को पकड़ के चलना पड़ेगा। ऊपर से थोड़ा सा सेल कर देना पड़ेगा, तो देखते हैं कहाँ तक ये आता है। चलिए चलिए, 9,011 का ऊपर ही निफ्टी को बाई करना चाहिए, 9,011 9,012 के ऊपर। अभी भी सेल मोड में ही है, नमस्कार दोस्तों। देखिए निफ्टी अभी ऊपर चला गया, 9,064 के ऊपर जो था, 9,012 के ऊपर बाद में बोला था, तो अभी 30 तक चला गया। देखते हैं फिर से नीचे आता है कि नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैंने दिखाया आप लोग को कि बाई सेल दोनों साइड ही दिखा आप लोग दिखा है, और निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो अगला दिन का फाइल जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, वो भी देखने का इरादा है। देखते हैं, इसमें थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम जो हो रहा है, तो वो भी दिखा दूंगा एक साथ। तो रुक कर गया, रुक गया है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो नहीं पता हूँ। मैंने जो ट्रेड लिया था वो 50-55 तक आया था, लेकिन उस टाइम प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी थोड़ा लॉस चला गया। इधर जो फाइल शेयर किया था मैंने, उसको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर से ऊपर जा रहा है, लास्ट जो फाइल शेयर किया था
इस फाइल लास्ट दिन शेयर किया था मैंने, अप्रैल 10 को, अप्रैल 10 लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो इस फाइल को मैंने शेयर किया था। एक बार देख लेता है, इसका एक बार खोल कर देख लेता है उसका लेवल क्या था। खुलता नहीं है दोस्तों, नहीं तो बाद में दिखा था।